हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं रिसर्च टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। मैं इस वीडियो में आपको इस पांचों फोन का कुछ कुछ स्पेक्स भी बता दूंगा। सो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फोन है रियलमी X2, जिसमें हमें 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसका मेन फीचर है ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस फोन के डिस्प्ले में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है और साथ ही बैक में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। इस फोन में हमें वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है। रियलमी X2 में हमें क्वालकॉम का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730G देखने के लिए मिलता है, जो कि 8 NMB बेस्ड है, और साथ ही GPU Adreno 618 देखने के लिए। ये काफी अच्छा प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर का एंटीट्यूड स्कोर 270,000 से भी ज्यादा है। यह फोन Android 9 पे बेस्ड है और Android 10 पे अपग्रेडेबल है। तो आते हैं इस फोन के कैमरे की तरफ। इसमें हमें क्वाड कैमरा देखने के मिलता है। प्राइमरी कैमरा 64 MP का है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का डेप्थ, 2 MP का मैक्रो, और फ्रंट कैमरा 32 MP का है। रियलमी X2 में हमें 4000 mAh का बैटरी मिलता है और साथ ही बॉक्स में 30W का बुक वर्जन 4 का चार्जर मिलता है। वाला वेरिएंट का प्राइस 17,999 है। आप इस फ़ोन को फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। वैसे मैं इस फ़ोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बढ़ते हैं अगले फ़ोन की तरफ। अगला फ़ोन है पोको X2, जो कि एक काफ़ी गेमिंग फ़ोन है। इसमें हमें 6.67 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120Hz पे बेस्ड है। इस फोन में भी हमें क्वालकॉम के आने वाला प्रोसेसर 730G देखने के लिए मिलता है, जो कि 8 NMAH पे ही बेस्ड है, और GPU Adreno 618 देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसका एंटीट्यूड स्कोर 280,000 से भी ज़्यादा है। इस फोन में हमें HDR10 का सपोर्ट भी मिलता है। फोन के डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और साथ में बैक में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। यह फोन एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है MIUI 11 के साथ। इस फोन में हमें क्वाड कैमरा देखने के लिए मिलता है। प्राइमरी कैमरा 64 MP का है, जो कि सैमसंग का सेंसर है, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ। इस फोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस फोन में हमें 4500 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलता है और साथ ही 27W का फास्ट चार्जर मिलता है। अगला फोन है ऑनर का आने वाला 9X, जिसमें हमें 6.59 इंच का IPS डिस्प्ले मिलता है। इस फोन में फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, इसमें कोई नॉच नहीं, इसमें पॉपअप कैमरा है। यह फोन एंड्रॉयड 9 पे बेस्ड है, जो कि एंड्रॉयड 10 पे अपग्रेडेबल है। इस फोन में हमें काफी अच्छा प्रोसेसर मिलता है, जो कि क्रीन 810 है, जो कि 7 NMAH पे बेस्ड है, और इस फोन का GPU माली G52 MP6 है। लेकिन इस फोन में एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें हमें प्ले स्टोर नहीं मिलता है, इसमें वावे का ऐप गैलरी है। इस फोन में हमें ट्रिपल कैमरा मिलता है। प्राइमरी कैमरा 48 MP का सोनी वाला सेंसर है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का डेप्थ, और साथ ही 16 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि पॉपअप कैमरा है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस फोन में हमें 4000 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलता है, लेकिन स्टैंडर्ड चार्जर के साथ, जो कि 10W का है। टाइप सी केबल के साथ को यह फोन 14,999 में मिल रहा है। यह सिर्फ ऑफर प्राइस है, इसका एक्चुअल प्राइस 17,999 है। तो बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। अगला फोन है रियलमी 6, जिसमें हमें 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और साथ ही गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, और इस फोन में हमें पंच होल कैमरा मिलता है। इस फोन का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है और रियलमी UI 1.0 पे है। इस फोन का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, जो कि है MediaTek का G90T, और इस फोन में हमें GPU माली G76 MC4 देखने के लिए मिलता है। इस फोन का एंटीटू स्कोर है 290,000 से भी ज़्यादा। इस फोन में हमें क्वाड कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि है 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का डेप्थ और 2 MP का मैक्रो। सेल्फी में हमें 16 MP का कैमरा मिलता है, जो कि पंच होल कैमरा के साथ है, और साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस फोन का बैटरी कैपेसिटी 4300 mAh है और बॉक्स में हमें 30W का वोक वर्जन 4 का चार्जर भी मिलता है। इस फोन का 4GB रैम, 64GB स्टोरेज का वेरियंट का प्राइस 13,999। तो बढ़ते हुए अगले लास्ट फोन की तरफ, जो कि रियलमी की तरफ से आने वाला फ़ोन है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, नार्जो 10। इस फोन में हमें 6.5 इंच का
IPS डिस्प्ले मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ। और इस फोन में प्लास्टिक बैक। यह फोन एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है Realme UI के साथ, जो कि 1.0 वर्जन का है। इस फोन में हमें वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। इस फोन का प्रोसेसर है MediaTek का G80 और GPU G52। और इस फोन का एंट्री स्कोर है 2,03,000। इस फोन में भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। इस फोन में हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। इस फोन का बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, जो कि 5000 mAh का, और साथ ही 18W का बुक चार्जर जो कि बॉक्स में अवेलेबल है और टाइप सी केबल के साथ। मैंने इन पांचों फ़ोन का सारा एस्पेक्ट्स आपको बता दिया है। मैं इस पांचों फ़ोन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताएं कि कौन फ़ोन सबसे अच्छा है। और साथ ही यह भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सो थैंक यू। It's caught in the crossfire.